सो हे गाइस, मेरा नाम है आदर्श एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अनदर के आगे के एपिसोड्स। इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं जिनमें से हम 4 एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो इसके आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। सो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो नर्स की डेथ हो जाती है, जिससे कोइची और सभी लोग बहुत सदमे में आ जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं और नॉर्मल स्कूल चालू हो जाता है। हम कोइची को क्लास में देखते हैं, सर उनको पढ़ा रहे होते हैं, तभी पीछे से मिसाकी आ जाती है। वो जाके अपनी चुपचाप डेस्क पे बैठ जाती है। कोइची अपने ख्यालों में खोया होता है, तभी उसके सामने वाला स्टूडेंट उसी डेथ के बारे में बात करने लगता है। इसे सुनने के बाद कोइची उससे पूछता है क्या इन दोनों डेथ्स में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, लेकिन वो स्टूडेंट मना कर देता है। फिर कोइची ये कह के चला जाता है कि उसे कुछ रिसर्च करनी है। एंड कोइची को ये सब के बारे में पता करना होता है, इसलिए वो लाइब्रेरी चला जाता है। कोइची स्कूल की एक बुक देखता है जहाँ पे हर क्लास के ग्रुप की फ़ोटो होती है, एंड वहाँ पे वो 26 साल पहले की फ़ोटो देखता है। तभी वहाँ पे लाइब्रेरियन आ जाता है, उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, जिसमें कोइची जवाब देता है इसमें मेरी मॉम की पिक्चर है जो कि ग्रेड 9 क्लास 3 में थी मेरे जैसे। लाइब्रेरियन उसकी मॉम को जानता होता है, उसका नाम होता है रिचको। फिर वहाँ अकजाया आ जाती है जो कि कोइची को बताती है कि उसको फैकल्टी रूम में बुलाया गया है। एंड वो कोइची से इस तरह बिहेव करने के लिए सॉरी बोलती है और बोलती है कि ये सभी की भलाई के लिए है, और वहाँ से चली जाती है। कि टीचर एंड कुछ ऑफिसर कोइची से इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि नर्स से लास्ट बात उसी ने की थी। एंड अपनी बात ख़त्म करने के बाद वो अपनी क्लास में आता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी टीचर वहाँ से गुजरते हैं और वो बताते हैं कि अकजावा न्यू होम टीचर आज के लिए है और सब स्टूडेंट को वो कहीं ले गई है, तो अपने रूल्स फॉलो करो और नीचे वेट करो। एंड फिर छुट्टी हो जाती है और हम देखते हैं कोइची नीचे इंतज़ार कर रहा होता है और वहाँ 2 स्टूडेंट आते हैं। वो दोनों के साथ घर चला जाता है और उनसे पूछता है कि 6th पीरियड में वो लोग कहाँ गए थे, जिसमें वो स्टूडेंट बताते हैं कि हम लोग मीटिंग के लिए गए थे। कोइची उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह की मीटिंग। तब वो उसी काउंटर मेजर से रिलेटेड मीटिंग थी, जिसमें वो लड़का बोलता है हाँ। वो बताता है कि तुम जब से आए हो तब से बहुत कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ें हो रही है, और तुम्हें और हम लोग के फ्यूचर को देखते हुए ये काउंटर मेजर्स बनाए गए हैं। लेकिन ताकाबायाशी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है एंड वो कोइची को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें कोइची पूछता है मिसाकी के बारे में। ताकाबायाशी मिसाकी के बारे में बता ही रहा होता है तभी उसको बहुत ज़ोर से हार्ट अटैक आ जाता है। एंड हमने शुरुआत में देखा था कि इसके दिल में एक छेद होता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एंड फिर हम नेक्स्ट से देखते हैं कोइची को स्कूल में। कोइची अपनी क्लास में आता है जहाँ पे सभी लोग पहले से बैठे होते हैं। अकजावा कजामी ने मीटिंग रखी होती है एंड कोइची के आते ही वो मीटिंग ख़त्म कर देते हैं। तभी वहाँ सर आते हैं और ताकाबायाशी को लेकर एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। कोइची एक बार कंफर्म करने के लिए बीच क्लास में से उठ के बाहर जाता है, जिसमें उसको कंफर्म हो जाता है कि उसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। एंड फिर रिसेस में हम देखते हैं कि कोइची के डेस्क के नीचे कुछ लेटर रखे हैं, जिसमें एक लिस्ट में स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट के नेम के आगे रेड लाइन होती है। ये लेकर वो मिसाकी के पास चला जाता है। वो उसे इस बारे में सब कुछ बताता है और ताकाबायाशी की डेथ के बारे में भी। एंड फिर वो कोइची को ऊपर ले जाती है, और अब क्योंकि कोइची को भी सब इग्नोर कर रहे होते हैं, अब लोगों की नज़रों में वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए मिसाकी अब खुलकर कोइची को बता सकती है। वो बता देती है कि हाँ मैं एग्जिस्ट करती हूँ। एंड फिर वो कोइची को बताती है कि ये सब May 1st से स्टार्ट हुआ है। आज से 26 साल पहले मिसाकी की डेथ के बाद उसके नाम की एक खाली डेस्क छोड़ना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगले साल से अचानक से एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया। वो स्टूडेंट कौन था और कहाँ से आया था? एंड फिर हर साल एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाता, और ग्रेजुएशन के बाद वो स्टूडेंट के बारे में सारी बातें उनकी मेमोरी से गायब हो जाती। यहाँ तक कि सभी रिकॉर्ड्स और सभी ग्रुप फोटो से एक्स्ट्रा स्टूडेंट की पिक्चर भी गायब हो जाती। वो स्टूडेंट एक ह्यूमन डेड था, वो भूत से कहीं ज़्यादा था। उसके पास एक फिजिकल बॉडी होती, खुद की यादें होती, और यहाँ तक कि उसको खुद को नहीं पता होता कि वो एक ह्यूमन डेड है। और जब भी वो क्लास में होता और उससे कोई बात करता, तभी अचानक से डेथ होने लगती। बहुत सारे फैमिलीज और स्टूडेंट लोग की डेथ होने लगी। स्कूल वालों ने क्लास का नाम और यहाँ तक कि क्लास भी चेंज करके देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हर साल वो मिस्टीरियस स्टूडेंट आता और एक डेस्क फेल हो जाती। अगर जैसे 30 स्टूडेंट हैं और एक खाली डेस्क है, तो अचानक से वो 31 की 31 डेस्क फेल हो जाती। अभी सभी लोग ने डिसाइड करके इसका एक तोड़ निकाला कि अगर 31 स्टूडेंट हो रहे हैं तो हम एक स्टूडेंट को ऐसा ट्रीट करेंगे कि जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। हम ट्रीट करेंगे कि जैसे 30 ही बच्चे थे।
फिर वो एक बच्चे को चुन के उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। इससे काउंटिंग नॉर्मल रहती है, जैसे कि मिसाकी एंड कोइची की क्लास वालों को लग रहा था शायद कोइची भी वो ह्यूमन डेट हो सकता है, इसलिए वो सेफ्टी के लिए मिसाकी और कोइची दोनों को इग्नोर कर रहे हैं। एंड फिर वो ये सब जानने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है और यहाँ पे एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। एंड फिर हम एपिसोड 6 की शुरुआत में देखते हैं कि नेक्स्ट डे हो जाता है, कोइची फिर से मिसाकी से मिलने के लिए आता है। कोइची मिसाकी से पूछता है कि तुम्हारी डेस्क पे हु इज डेथ लिखा हुआ था, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? वो बोलती हाँ मैं जान सकती हूँ कि ह्यूमन डेथ कौन है। मिसाकी कोइची को लेके बाहर चली जाती है। कोइची बाहर मिसाकी से पूछता है कि तुम्हारी मॉम को अजीब नहीं लगता कि तुम स्कूल नहीं आती, जिसमें मैं बोलती हूँ कि मेरी मॉम को कुछ नहीं पता और वो बहुत केयरलेस है। मिसाकी अपनी आय के बारे में भी बताती है कि जब मैं 4 साल की थी तब मेरी आँख ट्यूमर के कारण निकाल दी गई, फिर मेरी मॉम ने डॉल के जैसे एक आर्टिफिशियल आय बनवाई और तब से मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कोइची घर आ चुका है उसके डैड का। फिर हम देखते हैं कोइची घर आ जाता है, वो लेटा होता है तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो बातों बातों में डैड से पूछता है कि मॉम ने आपको क्या 9th grade class 3rd के बारे में कुछ बताया था, जिसमें डैड उसके मना कर देते हैं। एंड फिर वो कुछ बताने की कोशिश करते हैं तभी सिग्नल नहीं मिलता और वो कॉल कट जाता है। एंड फिर टाइम बहुत तेज़ बीतता है, हम देखते हैं कोइची पूरा टाइम मिसाकी के साथ ही रहता है। कुछ हफ्ते बीतने के बाद मिसाकी कोइची आर्ट रूम में आते हैं, तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट भागता हुआ आता है और वो सभी स्टूडेंट को अपने साथ ले जाता है। जी और मिसाकी दोनों लाइब्रेरी आ जाते हैं। जी उसी ग्रुप फोटो में मिसाकी को अपनी मॉम दिखाता है, तभी चिवी की वहाँ का लाइब्रेरियन आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कोइची की मॉम का होम रूम टीचर चिवी की था। चिवी की मिसाकी और कोइची को बताता है मैं एक बहुत ही सेफ पोजीशन पे हूँ, तुम्हारी क्लास से असली खतरा स्टूडेंट्स को और उनकी फैमिली को है और उनसे 2 degree के डिस्टेंस पे जितने लोग रहते हैं उनको है। चिबी की बताता है कि आज से 26 साल पहले मिसाकी योमियामा उसकी डेथ घर ढहने से हुई थी, वो और उसकी पूरी फैमिली घर टूटने के कारण उसमें दब के मर गई थी। फिर चिबिकी उन्हें एक बुक देता है जिसमें 26 साल से प्रेजेंट तक के grade 9th class 3rd के सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो रिकॉर्ड्स में एक एक्स्ट्रा नाम भी लिखा होता है कि उस डेथ पर्सन का नाम होता है, ह्यूमन डेथ, एंड उसमें रेड लाइन वाले भी कुछ नाम होते हैं कि वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी डेथ हुई थी। और फिर चिबी की बताता है कि रूल्स को डिसाइड करने के बाद डेथ होना थोड़ा कम हो गया, फिर जो भी स्टूडेंट रूल्स को नहीं मानता और उस इग्नोर किए जाने वाले पर्सन से बात करता उसकी डेथ हो जाती। लेकिन एक साल 1993 में ऐसा हुआ कि वो ह्यूमन डेथ हम मिला ही नहीं, हर साल वो क्लास में ह्यूमन डेथ आता एंड उसका नेम मैं इस रिकॉर्ड में लिख दिया करता था। उस समय पता नहीं क्या हुआ था जिससे वो ह्यूमन डेथ स्टूडेंट गायब हो गया। तो गाइस इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, उस ह्यूमन डेथ पर्सन का नाम सभी इमेजेस और रिकॉर्ड से गायब हो जाता था, लेकिन चिबिकी एक दिन पहले ही उस ह्यूमन डेथ पर्सन का नाम पेन से उसी रिकॉर्ड्स में लिख देता था। लेकिन कोइची की मॉम वाले ईयर में कुछ ऐसा हुआ कि वो ह्यूमन डेथ पर्सन मिला ही नहीं, अक्सर वो ग्रेजुएशन के बाद गायब होता था, लेकिन इस साल वो बीच क्लास से ही गायब हो गया। कोइची अपने घर आता है और रिको से पूछने की कोशिश करता है। रिको को कुछ भी याद नहीं होता, वो थोड़ा बहुत बस याद करके बताती है कि उस साल कुछ तो हुआ था। फिर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कोइची को और सभी स्टूडेंट को जो कि स्कूल आए होते हैं। फिर हम उनके टीचर को देखते हैं जो कि एक बैग लेके क्लास में आ जाते हैं, वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। वो सभी से माफ़ी मांगते हैं, इन सभी को उनके फ्यूचर के लिए विशेस देते हैं। एंड फिर वो टीचर रिग्रेट करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। एंड तभी अपने बैग से वो बहुत बड़ा सा चाकू निकालते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उनके क्लास टीचर अपने हाथों में एक बहुत बड़ा चाकू पकड़े होते हैं, वो बड़ा सा चाकू अपने गले में घुसा देते हैं, वहीं पर सुसाइड कर लेते हैं। उनके खून के छींटे पूरी क्लास में फैल जाते हैं, सब बहुत ही डर जाते हैं, सब लोग क्लास के बाहर भाग जाते हैं। मिसाकी और कोइची भी बाहर चले जाते हैं। मिसाकी कोइची से कहती है कि लगता है ये प्लान भी काम नहीं करा। एंड फिर हमें पता चलता है कि मरने से पहले उन्होंने अपनी माँ को भी मार दिया। ये सब कुछ उसी फिनोमेना के कारण हो रहा होता है, क्योंकि कोइची और मिसाकी दोनों को इग्नोर करने के बाद भी ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे, इसलिए कोइची और मिसाकी को ऐसा ट्रीट करना वो लोग बंद कर देते हैं। अकाजावा आके बताती है कि स्टूडेंट को लगता है कि इसमें तुम लोग की गलती है, लेकिन मुझे लगता है इसका कारण कुछ और है। कोइची अकाजावा से कहता है कि एक बार समर ब्रेक में सब लोग गए थे और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ था। एंड फिर हम अगले सीन में देखते हैं कोइची और मिसाकी चिबिकी के पास लाइब्रेरी में जाते हैं।
फिर वो चविकी से उसी साल का रिकॉर्ड मांगता है जिस साल उसकी मॉम पढ़ती थी। वो रिकॉर्ड्स में देखता है कि 6 अगस्त के बाद अचानक से डेथ होना रुक गई थी और रिकॉर्ड्स में से भी नाम गायब नहीं हुआ। खैर चिविकी उनका क्लास टीचर था उस समय, तो उसको अच्छे से याद नहीं होता, लेकिन वो बताता है उस समय हम लोग योमियामा शिरिन ट्रिप पर गए थे जो कि एक मंदिर है। फिर क्विची रिकॉर्ड्स में देखता है जहाँ उसको पता चलता है कि वहाँ टेंपल में 2 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी। उसके बाद से ये सिलसिला उस साल के लिए रुक गया। क्विची चुविकी को सजेस्ट करता है कि हम सभी को भी उस मंदिर पर ट्रिप पर जाना चाहिए, हो सकता है कि इस बार भी ये सब काम कर जाए। एंड फिर मिस मेकामी क्लास में आके अनाउंसमेंट करती है कि हम लोग योमियामा श्राइन पे ट्रिप पर जा रहे हैं। एंड फिर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं क्विची को जो कि स्कूल में होता है और सभी लोग बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे होते हैं। उसको आवाज़ आ रही होती है हु इज़ दैट, मिशाकी वहाँ आती है और बोलती है यू आर दी डेथ पर्सन। एंड तभी क्विची सो के उठ जाता है। क्विची अपने डैड से बात करता है एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अकाजाई और क्विची किसी होटल में बैठे हुए होते हैं। क्विची उसे अपने सपने के बारे में बताता है लेकिन अकाजाया कहती है कि तुम वो डेथ मैन नहीं हो सकते। और फिर वो क्विची से हाथ मिलाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ, मुझे भले ही याद नहीं है लेकिन मुझे पता है मैं हैंडशेक कभी नहीं भूलती। और क्विची उससे पूछता है कि तुमने हॉस्पिटल में भी मुझसे ऐसे हाथ मिलाया था, जिसमें अकाजाया बताती है कि हाँ क्योंकि ऐसा र्यूमर उठ रहा था, क्योंकि कुछ लोग कहती हैं कि जो डेथ मैन होता है उसके हाथ ठंडे होते हैं। एंड फिर उनकी क्लास के 2 स्टूडेंट और आ जाते हैं और जो दूसरा स्टूडेंट होता है ये होटल उसकी जान पहचान का होता है। वो बोलता है कि वेटर को जानती है और फिर वो वेटर को बुलाता है। वो वेटर उनको बताती है कि आज से कुछ साल पहले 9th ग्रेड क्लास 3 का एक स्टूडेंट आया था। वो काफ़ी परेशान लग रहा था और बार बार बोल रहा था कि मैं उनको बचा सकता था, मैं उस शराब से सभी को बचा सकता था। वेटर उससे पूछती है कि तुम क्या कर कैसे बचा सकते थे मुझे बताओ, जिसमें वो सारी कहानी वेटर को बता देता है लेकिन फिर भी उसको याद नहीं आता कि वो कैसे बचा सकता था, वो सब कुछ भूल चुका होता है। वो वेटर्स बताती है कि शायद वो कुछ दिखाना चाहता था लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। तभी क्विची कहता है कि आखिर वो रहता कहाँ है, जहाँ कसाफा क्विची से कहती है कि तुम मिसाकी से पूछ सकते हो क्योंकि उस साल मिसाकी की आंट भी 9th ग्रेड क्लास 3 में थी। एंड बाय द वे उस स्टूडेंट का नाम होता है मत्सुनागा। एंड अगले ही पल देखते हैं कि क्विची मिसाकी के पास एंड अगले ही पल देखते हैं कि क्विची मिसाकी के घर आ चुका है। क्विची मिसाकी से रिक्वेस्ट करता है कि मत्सुनागा का एड्रेस वो अपनी आंट से पूछ के बताए, जिसमें मिसाकी उसे बताती है कि उनकी तो बर्थ के समय ही डेथ हो गई थी। फिर मिसाकी उसे अपना एक सीक्रेट नंबर देती है। फिर मिसाकी उसे अपने सेल फोन का नंबर देती है। मिसाकी को पता होता है कि क्विची को लग रहा होता है कि वही ह्यूमन डेथ है। मिसाकी बताती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पे ट्रिप पर जा रही है लेकिन वो स्कूल ट्रिप से पहले वापस आ जाएगी। वो क्विची को पास बुलाती है और अपना आई पैच उतारती है और उससे कहती है कि ह्यूमन डेथ तुम नहीं हो। एंड तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं क्विची रिको से बात कर रहा होता है और फिर वो मात्सुनागा के बारे में पूछने लगता है, जहाँ रिको से बताती है कि हाँ मैं मात्सुनागा को जानती थी, हम लोग सेम ही क्लब में थे। एंड फिर वो बताती है कि शायद मुझे उसका एड्रेस पता है। एंड फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मात्सुनागा के घर जाने के लिए उसके सभी दोस्त लोग भी आ जाते हैं। क्विची के सभी दोस्त अकाजावा की कार में बैठ जाते हैं और अकाजावा क्विची के साथ बैठ जाती है। रिको उन सभी को उस एड्रेस के पास लेके जाने लगती है। रिको उन सभी को उस एड्रेस में ले जाती है। वो लोग मत्सुनागा से मिलने के लिए होटल पहुंच जाते हैं लेकिन वो वहां नहीं होता, इसलिए रिको अपना नंबर दे देती है और जब तक के लिए वो लोग बीच पे स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। वो लोग बीच में होते हैं तभी क्विची को वहाँ पे एक लड़की देखती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि मिसाकी अपने फैमिली के साथ इस बीच में आई हुई है। मिसाकी भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। वो सब लोग वहीं पे फिशिंग करते हैं और वहीं खाना पका के खाते हैं। तभी उन्हें ढूंढते हुए मत्सुनागा वहाँ पे आ जाता है। वो रिको से बात करता है जहाँ रिको उसे बताती है कि वो सब कुछ भूल चुकी है, बस उसे कुछ चीज़ें याद हैं और उसे ये याद है कि तुम्हें कुछ पता रहा जिससे ये सब रोक सकते थे। लेकिन मत्सुनागा को भी कुछ भी याद नहीं होता, उसकी मेमोरी भी इरेज हो गई होती है। क्विची मत्सुनागा से कहता है कि मंदिर से निकलने के बाद ही कुछ हुआ था। फिर क्विची पूछता है कि लोगों के लिए क्या आपने कोई क्लू छोड़ा था। मत्सुनागा तभी थोड़ा सा सोचता है कि कुछ क्लू उसने स्कूल में छोड़ा था। एंड तभी बहुत तेज़ हवा चलती है और अचानक से बॉल उड़ के समुंदर में चली जाती है। उसको लेने के लिए एक स्टूडेंट जाता है, वो बॉल के पास जाता ही है तभी वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, जिससे क्विची मत्सुनागा और सभी लोग पानी में कूद के उसको लेने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी एक वहाँ से मोटर बोट गुजरती है और सीधे वो उस स्टूडेंट के ऊपर से गुजर जाती है।
और मोटर में आने के कारण उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी बीसा मंत्री मत्सुनागा को याद आ जाता है और वो कोइची को बताता है कि मैंने क्लासरूम में कुछ छुपाया था। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा एंड अगली वीडियो में ये सीरीज़ कम्प्लीट हो जाएगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।